बोलती तस्वीर। आप इस चित्र को गौर से देखें, इसमें बहुत सी चीज़ें अपने आप हम सबके सामने आ जाती हैं। आप देख सकते हैं तपती धूप में, जहाँ गर्म ज़मीन है जिस पर चलना अत्यंत दुष्कर है, ऐसे में माँ ने अपने बेटे को, जो निश्चित तौर पर उसके पैरों में पैरों से काफ़ी बड़ा है, फिर भी उसने अपना चप्पल उसे दे दिया क्योंकि माँ है। और माँ ने कोई उम्मीद भी नहीं की है, चाहे जिसकी भी माँ हो, अपने बच्चे की देखभाल के लिए या उसकी सुरक्षा के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर करने के लिए तैयार रहती है। इस तस्वीर को आपके सामने रखने से पहले हमारे मन में कुछ चीज़ें आई जो आपसे शेयर करना चाहता हूँ। अगर आपसे कहा जाए कि इस तस्वीर का आप शीर्षक दें, तो हो सकता है कि आपके मन में इस तस्वीर के लिए कई शीर्षक आए, लेकिन मेरे मन में जो शीर्षक आया है वह यह है कि आखिर सत्ता कब बनेगी माँ। लोकतंत्र में राजसत्ता का उद्देश्य भी यही है, वह माँ की तरह अपनी प्रजा का देखभाल करे। इसके साथ हम अमेरिकी राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन की उस परिभाषा की बात करते हैं जो उन्होंने लोकतंत्र के संदर्भ में कही थी, जनता का जनता के लिए जनता द्वारा किया जाने वाला शासन ही लोकतंत्र है, प्रजातंत्र है या जनतंत्र है, जिसे हम डेमोक्रेसी भी कहते हैं। हम यह भी समझें कि जो सत्ता पे जो लोग बैठे हुए हैं, अगर उन्होंने अपनी भूमिका माँ की तरह निर्वाह किया, तो निश्चित तौर पर प्रजा भी पुत्र अपने माँ को कभी छोड़कर अलग नहीं हो सकता। ऐसी स्थिति लोकतंत्र में प्रत्येक जो सत्तासीन लोग हैं या जिनके हाथों में राजसत्ता है, उन्हें इन बातों का ख्याल रखना चाहिए। और जनतंत्र या लोकतंत्र या प्रजातंत्र, यही सबसे बड़ी खूबी है।